हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भरोलिया चैनल। आप कैसे हैं? तो ये देखिए, हम आज आपको सौंठ गुड़ की कतरी बनाने की रेसिपी बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमने 1.5 किलो आटा लिया है, 1/2 केजी गरी है और ये कुछ काजू है 100 ग्राम, बादाम है 100 ग्राम और ये किशमिश है 250 ग्राम और ये छुहाड़े हैं 100 ग्राम और ये मखाने हैं 100 ग्राम और हमने ये गोंद लिया है 250 ग्राम और ये गुड़ 1 किलो है। और ये देखिए, हमने ये सौंठ और हल्दी और ये अजवाइन, इसको मैं पीस के पेस्ट बना लूंगी, फिर इसको घी से भूनूंगी, फिर इसमें डालूंगी। घी चढ़ाया है, अब मैं सारे ड्राई फ्रूट तलूंगी। ये देखिए, काजू तलूंगी मैं पहले, बादाम, ये देखिए मैंने काजू बादाम तल लिए। अब देखिए, मैंने छुहाड़े भी फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, हमने गरी भी फ्राई कर लिए। ऐसे कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा कढ़ाई में। ये देखिए, हमारी किशमिश भी तल गई है, अब इसको भी निकाल लूंगी। ये देखिए, हमारी गोंद भी पक गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये देखिए, हमारे मखाने तल गए हैं, इनको भी मैं निकालूंगी। ये देखिए, जो हमने उसका अजवाइन का, सौंठ का, हल्दी का पेस्ट बनाया था, इसको भी मैं घी से भून लूंगी। इसको डालने से जुखाम नहीं होगी, बच्चों को क्या, बूढ़ों को भी नहीं होगी। बहुत ही ये पौष्टिक होते हैं कतरी। ये देखिए, हमारा पक गया है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। हमने घी चढ़ाया हुआ है, अब इसमें मैं आटा डालूंगी, इसको भी भूनूंगी। इसको मैं 2 बार भूनूंगी, 1/2 किलो करके। ये देखिए, आटा हमारा भुन गया है, अब इसको निकाल लूंगी मैं। ये देखिए, गरी के बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो मैं मिक्सी में थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लूंगी।
ये देखिए हमारी बढ़िया ग्राइंड हो गई। अब देखिए हमारी पूरी ड्राई फूड तल गई है, आटा भी भुन गया है और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। मैं इसमें पानी एक गिलास डालेंगे। तब तक मेरी चाशनी पक रही है तब तक मैं ये सब आटा और ड्राई फ्रूट सब मिक्स की लेती। ये देखिए सब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। इस तरह से ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है। ये देखिए ये अब हम गैस बंद करेंगे और डालेंगे जो मिक्स बना के रखा है हमने। अब हम इसको डाल के सब मिक्स करेंगे फिर जमाऊंगी मैं कतरी। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है, हम इसमें कतरी जमाएंगे। ये देखिए लड्डू भी लोगन ने प्यार होएगा वही काला। ये देखिए हम लड्डू भी बना लिए हैं, चाहे जमा लीजिए कतरी और चाहे लड्डू भी बना लीजिए। मैंने थोड़े से लड्डू भी बना लिया है और बकाया सब जमा दिया है। ये देखिए अब ठंडा होने के बाद इसको कट करूंगी। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, भरपूर प्रोटीन और जुखाम नहीं होती इसमें। सर्दियों में बनाना चाहिए इसको, किसी को पूरे घर में जुखाम नहीं होगी। इसी तरह बनाइएगा अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। ये हमारी जम गई है, ये देखिए आगे देखो। बहुत अच्छा बना है, मेवा कतरी तीन भरी कतरी है, बहुत अच्छी बनी मेवा कतरी तुम्हारी, टेस्टी है। अगर ये कतरी लड्डू का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सुदामा भदुरिया को सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए और इसको ठंडी में बनाइए। बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है ये। और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तभी बाय बाय, जय माता दी।